आएगा ना भिड़ो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टू न्यू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स विच आर वेरी वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ सो लेट्स स्टार्ट अगर हमें कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने पड़ जाते हैं जैसे वो बात करने में लगा हुआ है वो खाने में लगा हुआ है वो फ़ोन चलाने में लगी हुई थी फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए अलग अलग दो रूलों का प्रयोग किया जाता है इसमें हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो अंत तक देखिएगा आइए जानते हैं रूल फर्स्ट यदि हम किसी एक्शन या काम में बिज़ी होने की बात करते हैं तो बीजी के बाद इन या विथ का यूज नहीं किया जाता है यानी इसमें एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप जिसमें बीजी के बाद इन या विथ का यूज नहीं किया जाता है ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कहीं पर लोग बीजी के बाद इन या विथ का यूज कर देते हैं सेंटेंसेस में तो ये गलत होता है ये सेकेंड स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है बीजी के बाद विथ लेकिन इनका यूज तब भी नहीं किया जाएगा सेकेंड रूल है किसी चीज में बीजी होने की बात करें तो बीजी के बाद विद का यूज करेंगे इनका यूज तब भी नहीं होता है बीजी के साथ वो गलत होगा तो जानते हैं रूल फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ज वर प्लस बीजी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स वो बात करने में लगा हुआ है ही इज बीजी टॉकिंग कई लोग इस प्रकार भी बना देते हैं जैसे ही इज बिजी इन टॉकिंग ही इज़ बिजी विथ टॉकिंग तो ये गलत होता है बिजी के बाद इन या विथ का यूज नहीं होता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्योंकि यहाँ पर हम किसी काम में लगे होने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रूल फर्स्ट का प्रयोग होगा वो खाने में लगा हुआ है ही इज़ बिजी ईटिंग वो फ़ोन चलाने में लगी हुई थी शी वॉज बिजी यूजिंग मोबाइल फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ फॉर द टाइम बींग आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब तुम तो बहस करने में लगे हुए हो यू आर बिजी आर्ग्यूइंग बहस करने को आर्ग्यूइंग बोलते हैं तुम तो लड़ने में लगे हुए हो यू आर बिजी फाइटिंग वो लड़का मुझे घूरने में लगा हुआ था दैट बॉय वॉज बिजी स्टेयरिंग एट मी रूल सेकेंड देखेंगे किसी चीज में लगे रहना बिजी विथ जब हम किसी चीज में लगे रहने की बात करते हैं तो बिजी के साथ विथ का प्रयोग होता है लेकिन इन फिर भी नहीं आता है तो रूल देखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर पॉज वर्ड प्लस बीजी प्लस विद प्लस नाउन एग्जाम्पल वो किताबों में लगा हुआ है ही इज़ बिज़ी विथ बुक्स वो मोबाइल में लगा हुआ है ही इज़ बिजी विथ मोबाइल वो बच्चों में लगी हुई है शी इज बिजी विथ किड्स हम इंग्लिश सीखने में लगे हुए हैं ये सेंटेंस आपके लिए है जानते हैं कितने लोग इसे सही करते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा हम इंग्लिश सीखने में लगे हुए हैं Thanks for watching.